की बड़ी और अहम खबर की ओर इस वक्त अहम अपडेट, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को देंगे 14वीं वंदे भारत ट्रेन की बड़ी सौगात। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि राजस्थान में पहली वंदे भारत ट्रेन चलेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को 14वीं वंदे भारत ट्रेन की बड़ी सौगात देंगे। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रवाना करेंगे पीएम मोदी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और दिल्ली से जयपुर होते हुए अजमेर जाएगी ट्रेन। शताब्दी ट्रेन की तुलना में 1 घंटे कम समय लगेगा। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को 14वीं वंदे भारत ट्रेन की बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जहां देश की 14वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी, जो कि दिल्ली कैंट से जयपुर होते हुए अजमेर तक जाएगी। और इस रूट पर दिल्ली से अजमेर तक सबसे तेज चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस की तुलना में वंदे भारत लगभग 1 घंटा कम समय लेगी। इसके साथ ही बताते चले कि शताब्दी 6 घंटे 15 मिनट में दिल्ली से अजमेर पहुंच जाती है, जबकि वंदे भारत 5 घंटे 15 मिनट में पहुंचवाएगी। तो वहीं अब दिल्ली और अजमेर के बीच की दूरी काफी कम भी हो जाएगी। और आप सभी को ये भी पता होगा कि राजस्थान में काफी पर्यटन स्थल है, लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं, यात्री यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ पर पर्यटन का आनंद भी उठाते हुए नजर आते हैं। तो इस योजना के शुभारंभ से राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों की संपर्कता में सुधार भी होगा और चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुके राजस्थान के लिए यह पहली वंदे भारत ट्रेन होगी। कार्यक्रम का आयोजन अजमेर में ही होगा। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ट्रेन को रवाना करेंगे, लेकिन नियमित परिचालन गुरुवार से ही होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक यानी OHV क्षेत्र पर दुनिया की पहली सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन होगी ये। और ये ट्रेन पुष्कर अजमेर शरीफ दरगाह सहित अन्य राजस्थान के कई प्रमुख जो पर्यटन स्थल है उनकी संपर्कता में सुधार करेगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक देश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जहां 14वीं वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। तो वहीं राजस्थान में ये पहली वंदे भारत ट्रेन होगी, जिसको पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ट्रेन को रवाना करेंगे, हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उनके साथ ही आपको बता दें कि ये काफी भव्य आयोजन किया जा रहा है और यहाँ राजस्थान में ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस होगी और देश को 14वीं वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने जा रही। तो देश को मिलेगी सौगात, जहाँ राजस्थान में पहली वंदे भारत ट्रेन चलेगी। आपको बता दें गाड़ी संख्या 09617 जयपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत उद्घाटन स्पेशल रेल सेवा शुरू होगी। इसके साथ ही राजस्थान को और कुल 4 वंदे भारत ट्रेन मिलना प्रस्तावित है। तो वहीं जयपुर से 11 बजे रवाना होकर 4 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी ये ट्रेन और स्पेशल स्टेशनों पर ही रुकेगी ट्रेन और समय भी काफी कम लगेगा। और गांधीनगर जयपुर बस्सी दौसा बांदीकुई राजगढ़ अलवर खैरथल रेवाड़ी पटौदी रोड गढ़ी हरसरू और गुड़गांव स्टेशनों पर रुकेगी। तो वहीं बताते चले कि 13 अप्रैल से हफ्ते में 6 दिन ये ट्रेन चलेगी। तो बुधवार को ट्रेन का नहीं होगा परिचालन, बुधवार को ट्रेन बंद रहेगी और ट्रेन में कुल 16 डिब्बे मौजूद होंगे और 12 वातानुकूलित चेयर कार होगी, 2 वातानुकूलित एग्जीक्यूटिव चेयर कार और 2 ड्राइविंग कार श्रेणी के डिब्बे मौजूद रहेंगे। तो ये पूरा शेड्यूल रहने वाला है जो ट्रेन का है और काफ़ी जो समय है उसको भी बचवाएगी और दूरी को भी कम करती हुई साफ तौर से नजर आएगी। तो इस वक्त आम अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं, तो आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जहां देश के नाम 14वीं ये वंदे भारत ट्रेन रहेंगे। तो आज जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14वीं वंदे भारत ट्रेन को सौगात देंगे, इसके साथ ही आपको बता दें कि ट्रेन की क्या कुछ खासियतें रहेंगी, क्या क्या चीजें मौजूद रहेंगी, क्या ट्रेन में बेनिफिट्स होंगे, ये सारी चीजें आपको बताते हैं। भारतीय रेलवे की सबसे आधुनिक ट्रेनों में से एक है वंदे भारत एक्सप्रेस। इसके साथ ही आपको बताते चले भारतीय रेलवे की हाई स्पीड ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो पीएम मोदी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत वंदे भारत ट्रेन भारत में निर्मित हाई स्पीड ट्रेन है और बेहतरीन सुविधाओं से लैस है वंदे भारत एक्सप्रेस। काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं हैं इस ट्रेन में और इस ट्रेन में स्वचालित दरवाजे भी उपलब्ध हैं।
साथ ही बता दें कि इस ट्रेन के चेयरों को 180 डिग्री तक रोटेट भी किया जा सकता है, आसानी से 180 डिग्री घूम सकती। ट्रेन में GPS आधारित इंफॉर्मेशन सिस्टम भी लगाया गया है और CCTV कैमरे, वैक्यूम टॉयलेट है और इसमें पावर बैकअप का भी इंतजाम किया गया है। वंदे भारत में दो कोच ऐसे होते हैं जिनसे पूरी ट्रेन पर नजर रखी जा सकती है। तो वहीं आपको बताते चलें कि पुश बटन स्टार्ट के कारण ट्रेन को आपात स्थिति में एक बटन दबाकर रोका भी जा सकता है और सफर के दौरान यात्रियों की सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम किया गया है। तो ये सारी खासियतें इस ट्रेन में उपलब्ध है, यानी कि आपको एक तो समय कम लगेगा, उसके बाद ये तमाम चीज़ों से जोड़ती है, जितने भी पर्यटन स्थल है वहाँ से भी जोड़ती है। फिलहाल आगे